सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। अखिलेश यादव ने कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों को लेकर लोहिया आगे बढ़े और इसी सिद्धांतों पर जनेश्वर मिश्र भी आगे बढ़े। और आज जरूरत है उन तमाम सिद्धांतों की, जो सिद्धांत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिए थे, उन सिद्धांतों को लेकर के राम मनोहर लोहिया जी आगे बढ़े। वही सप्त क्रांति, वही आंदोलन, वही कार्यक्रम जनेश्वर मिश्र जी भी आगे लेकर के चले। आज के दिन पुण्यतिथि पर हम सभी समाजवादी लोग यही संकल्प लेते हैं कि जो समाजवादी आंदोलन वो यहाँ तक लेकर के आए थे, उस आंदोलन को और आगे लेकर के जाने का काम हम सभी समाजवादी लोग करेंगे। और आज देश की खुशहाली के लिए, खासकर किसान, गरीब, मजदूर, महिलाएं, व्यापारी किसी नीतियों के साथ खुशहाल हो सकते हैं तो वो समाजवादी नीति और समाजवादी कार्यक्रमों के माध्यम से। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि इस बार जनता बदलाव के लिए वोट करेगी और सपा बसपा गठबंधन को जिताने का काम करेगी। देश ने देख लिया है बदलाव भी, और बदलाव के बाद जो परिस्थिति बनी है, आज हर संस्था पर संकट है। लोकतंत्र में आवाज न उठा पाए लोग, लोकतंत्र में सभी संस्थाओं पर पहरा लगाने का काम और अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और अब तो समय उनका भी खत्म हो गया है, जनता में एक बार फिर जाना है। हमें उम्मीद है जनता एक बार फिर बदलाव की तरफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीब, किसान, मजदूर और व्यापारियों के सम्मान के लिए एक बार फिर बदलाव और समाजवादी और गठबंधन जो हुआ है समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का, उस दिशा में फैसला जनता लेगी। अखिलेश यादव ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले भाईचारे को खत्म किया है और अब बीजेपी के लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अभी तक तो हम एक दूसरे को अविश्वास से केवल जात के हिसाब से देख रहे थे। बीजेपी के लोगों ने ऐसा जहर घोला समाज में कि हर जाति एक दूसरी जाति पे अविश्वास की दृष्टि से देख रही है, धर्मों में अविश्वास पैदा कर दिया, भाईचारा को खत्म कर दिया और अब तो लोकतंत्र को खत्म करने का काम चल रहा है। हम समाजवादियों ने पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, आखिरकार हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में सुपीरियर कोई देश है तो जापान है। जापान दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में, साइंस में, हर क्षेत्र में आगे है। आखिरकार जापान जैसा देश ये ईवीएम मशीनों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो टेक्नोलॉजी में आगे है, जो हर चीजों में आगे है, आखिरकार वो अपने लोगों को मतदान करने के लिए आखिरकार ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ 130 करोड़ लोगों के बीच में ये सवाल जाना चाहिए कि आखिरकार वो देश जब इस्तेमाल नहीं कर रहा है ईवीएम पर, भरोसा नहीं है उसे ईवीएम पर, तो हम अपने लोकतंत्र का भरोसा ईवीएम पे कैसे कर ले। अखिलेश यादव ने साधु संतों पर पेंशन के सवाल पर एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि अगर देना ही है तो 500 और 1000 रुपए क्यों, कम से कम 20-20 हजार रुपए पेंशन सरकार को देनी चाहिए। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।